जमीन हो या आसमां, हर जगह बेइज्जती का सामना करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। अपने मुल्क में तो इमरान खान की क्या हैसियत है उसे तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इमरान खान जिस मुल्क में मेहमान बनकर जाते हैं वहां उनके साथ कैसा सलूक होता है, अब इसका भी खुलासा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के दौरान इमरान खान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के उद्धार के विमान से पूरे एहतराम के साथ अपने मुल्क वापस लौट रहे थे। इमरान खान का विमान हवा में कई फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर इमरान खान का घमंड भी सातवें आसमान पर था। विमान में इमरान खान अपने अधिकारियों के साथ गुफ्तगू में मशगूल थे। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इमरान खान के विमान को बीच रास्ते में ही अमेरिका वापस लौटने का आदेश दे दिया गया। आखिर बीच हवा में ऐसा क्या हुआ? क्या इमरान खान के विमान में कोई खराबी आ गई? क्या किसी इमरजेंसी में इमरान खान को पाकिस्तान जाते वक्त बीच में ही रुकना पड़ गया? इन सब सवालों के बीच एक खुलासा पाकिस्तान की एक साप्ताहिक मैगजीन फ्राइडे टाइम्स ने किया है। मैगजीन के मुताबिक इमरान खान के विमान में कोई खराबी नहीं आई थी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान के बयान से सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस कदर नाराज हो गए थे कि उन्होंने बीच रास्ते में ही इमरान के विमान को अमेरिका लौटने का फरमान सुना दिया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिरकत के लिए अमेरिका की यात्रा के दौरान इमरान पहले सऊदी अरब गए थे। यहाँ से वो सऊदी अरब के वाणिज्यिक विमान से अमेरिका जाना चाह रहे थे, लेकिन बिन सलमान ने कहा कि ये नहीं हो सकता, इमरान उनके खास मेहमान हैं और वो उनके खास निजी विमान से अमेरिका जाएंगे। लेकिन इमरान ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो चेहरा रखा उसने प्रिंस को नाराज कर दिया, लिहाजा नतीजा ये हुआ कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें अपने विमान से चलता कर दिया। हालांकि दुनिया के सामने ये पेश किया गया कि इमरान के विमान में खराबी आ गई थी। फ्राइडे टाइम्स ने ये कहकर चौंकाया है, कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, ये MBS की नाराजगी थी जिसकी वजह से इमरान के विमान को लौटना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे सरासर गलत और इसे इमरान की सफल यात्रा को संदेह के घेरे में लाने की कोशिश बताते हुए इस पर गहरा खेद जताया है। पाकिस्तानी सरकार अब इस पर कोई भी सफाई दे, लेकिन पाकिस्तान की ही मैगजीन ने अपने PM की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है। मैगजीन ने इमरान खान का पूरी दुनिया के सामने मजाक उड़ा दिया है। जो कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी कि इस मुद्दे पर वो टाल मटोल करे, उन्होंने सीधे तौर पर इस रिपोर्ट को खारिज किया है। पर जिस तरीके से इमरान खान बोल रहे थे, इससे ये साफ हो रहा है कि सऊदी अरब इस समय पाकिस्तान से काफी नाराज चल रहा है।